हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ भारत के आर्थिक सुधारों में एक और बड़ा नील का पत्थर जो आज रखा गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 50 वर्ष बाद फिर से लिए गए एक महाविलय के निर्णय के बारे में। जैसा कि आपको विदित होना चाहिए कि भारत में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण 1969 में 14 बड़े बड़े बैंक आपका राष्ट्रीयकृत किए गए हुए थे। ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किए गए हुए थे और इस तरीके से भारत में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। आम जनमानस को बैंकिंग सुविधाओं को पहचानने के लिए तमाम छोटे छोटे निजी बैंकों को बड़ा बैंक बना के उनको राष्ट्रीयकरण का दर्जा दिया गया और दोबारा से 1980 यानी 1980 में फिर से 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है और इस तरीके से भारत में टिल 1992 तक 20 बड़े राष्ट्रीय बैंक काम करते रहते हैं। दोस्तों, 1992 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया, उसका मर्जर हो जाता है पंजाब नेशनल बैंक के साथ और इस तरीके से राष्ट्रीयकृत बैंक बचते हैं कितने, सिर्फ 19। उसके अलावा IDBI, SIDBI इस तरीके के स्पेशल सीज बैंक्स अलग से काम करते रहे। बीच में मनमोहन सिंह सरकार आई, उसने बैंकों को और आगे बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशलाइज और भी बैंक, खासतौर पर महिलाओं के लिए BMB यानी भारतीय महिला बैंक को गठित किया। लेकिन वर्तमान में मोदी सरकार का एक फैसला आया जिसने ज्यादातर बैंकों को मर्ज करके कुछ ही छोटे बैंक मात्र बनाने का निर्णय लिया। यानी जैसे SBI के जितने भी एसोसिएट्स बैंक थे उन सभी को मर्ज करके एक बड़ा SBI का जो परिवार हुआ करता था, जिसमें उसके तमाम एसोसिएट्स बैंक हुआ करते थे, वो सारे मर्ज हो गए। साथ में भारतीय महिला बैंक भी मर्ज हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपका सबसे पहला जो फैसला लिया गया 2017 में अप्रैल में, जिसमें कि स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर था, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला था, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर था, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर था और साथ में भारतीय महिला बैंक भी। इन सभी बैंकों को मिला के मोदी सरकार ने SBI को एक वैश्विक स्तर का बैंक बनाने का निर्णय लिया। शुरू में कुछ विरोध भी हुए, तमाम बैंक यूनियनों ने विरोध किए, लेकिन इसके बावजूद आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी, क्या आखिर ऐसा जो है सरकार को क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई थी कि इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ रहा था। सबसे बड़ी बात है दोस्त, बैंकों का मुख्य कार्य क्या है, जमा के रूप में पैसा स्वीकार करना और ऋण यानी डेब्ट के रूप में पैसा उधार देना यानी लेंडिंग। बैंक अगर लिक्विडिटी क्रंच से जूझेंगे, बैंकों के पास अगर धन नहीं होगा तो ऐसे केस में ऐसे बैंक कहीं से भी सर्वाइव नहीं कर सकते। और साथ ही जब हम चाहते कि हमारे बैंक वैश्विक स्तर पर गिने जाएं, उनकी गणना विश्व के सबसे अच्छे और सबसे बड़े बैंकों में हो, तो इसके लिए जरूरी होता है कि आपके सारे प्रयास चैनलाइज होने चाहिए। और इसी कड़ी में सबसे पहला जो विलय हुआ वो SBI एसोसिएट्स का, साथ में भारतीय महिला बैंक का, इन सभी का विलय हुआ स्टेट बैंक में। दूसरी कड़ी में फिर से आपका दो बैंक और जो है मर्ज किए जाते हैं। जैसा कि आपको सबको पता होना चाहिए कि जो दो बड़े बैंक थे इनको अभी इसी साल अप्रैल 2019 में देना बैंक के अलावा विजया बैंक, इन दोनों बैंकों को आपको पता है कि मर्ज किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो देना बैंक और विजया बैंक इतिहास की बातें हो गई और वर्तमान में ये बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गया। अभी जो आज फैसला लिया गया जिसके तहत बाकी सभी बैंकों को मर्ज किया जा रहा है, जैसे कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इनको पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज किया जाएगा और इस तरीके से SBI के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। इसी तरीके सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक में मर्ज करने का निर्णय लिया गया है।
आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को मर्ज किया जा रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, साथ ही साथ इलाहाबाद बैंक को मर्ज किया जा रहा है इंडियन बैंक में। और इस तरीके से अगर अब बात की जाएगी तो मात्र और मात्र 12 सरकारी बैंक नेशनलाइज बैंक बचेंगे। अब बात यह आती है कि ऐसा क्या हुआ, अगर हम बात करें विश्व के जो टॉप 100 बैंक्स है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े 100 बैंक है, उनमें सिर्फ और सिर्फ दोस्तों भारत का एक बैंक है और वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का कहा जा सकता है सबसे सफल और सबसे प्राचीन बैंक, जिसका स्थापना 1806 में हुआ था। 1806 में जब इसको कलकत्ता में खोला गया हुआ था बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से, बाद में इसका नाम बदल गया, बैंक ऑफ बंगाल आया। फिलहाल उसकी जर्नी आज तक जारी है और ये दुनिया के जो 100 सबसे टॉप बैंक है पूंजी के मामले में उनमें आता है। लेकिन बाकी बैंक हमारे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो तकनीक की बात हो, चाहे बाकी चीजों की बात हो, उनमें वैश्विक सूचकांक में बहुत पीछे होते हैं। अगर हम बात करें दुनिया के 100 सबसे बड़े बैंकों में, तो इनमें आपका चाइना, जिसका कि पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, रिपब्लिक बैंक ऑफ चाइना, ये इस तरीके के कुल 18 बैंक दुनिया की टॉप 100 बैंकों में से शामिल है। अमेरिका के कुल 11 बैंक आपका दुनिया के टॉप 100 बैंकों में शामिल है, जबकि भारत का मात्र एक बैंक। इसी तरीके से कुछ और देश हैं जिनमें टर्की है, रशिया है, इनका भी एक एक बैंक ही मात्र टॉप 100 में इंक्लूडेड था। गवर्नमेंट का ये प्रयास निश्चित तौर पर बैंकों को एक तो पूंजी का प्रवाह बढ़ाने में मदद करेगा और साथ ही साथ बैंकों में जो उनके एटीएम्स हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, एक बड़ा उनका कस्टमर डेटाबेस बनेगा। और इस तरीके से उम्मीद है कि ये बैंक आने वाले समय में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इस समय जो एक बड़ी समस्या है बैंकों के सामने, वो है उनका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए का दिनों दिन बढ़ते जाना, और संभवतः इसी एनपीए से निपटने के लिए इनको बड़ा करना, इनको वैश्विक स्तर पर मजबूत करना जरूरी था। तो मेरे ख्याल से या मेरी ओपिनियन से ये जो कदम है ये बैंकिंग सेक्टर को मजबूती देगा और साथ ही साथ ये एक और मोदी सरकार का आर्थिक सुधार माना जा सकता है। जरूर आप राय दीजिएगा कमेंट में, आपका स्वागत।